अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि वो कौन सा पत्रकार है जो भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट विकेट कीपर रिद्धिमान साहा को इंटरव्यू देने के लिए मजबूर कर रहा है, धमका रहा है। रिद्धिमान साहा ने खुद इस पत्रकार के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट्स को सार्वजनिक किया है, जिसमें यह पत्रकार साहा को एक तरीके से धमकी दे रहा है और लिख रहा है कि उसे इंटरव्यू ना देकर साहा बहुत पछताएंगे। तो आज ये खबर आपके सामने लाने के पीछे हमारी मंशा ये है। वैसे तो अगर आप देखा जाए तो ये खबर हमें लेनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये मीडिया के खिलाफ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मीडिया में जो ऐसे लोग हैं जो अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं, उनके बारे में भी देश को पता चलना चाहिए। इसलिए आज हमारी मांग ये है कि BCCI को पूरी जांच करके इस पत्रकार का सबसे पहले तो नाम सार्वजनिक करना चाहिए और फिर इस पत्रकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए यह हम आपको बताएंगे। यह मामला कितना गंभीर है यह भी आपको बताने की आज कोशिश करेंगे। रिद्धिमान साहा का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो मशहूर खिलाड़ी हैं, भारतीय टेस्ट टीम में खेलते हैं, विकेटकीपर हैं। रिद्धिमान साहा ने इस पत्रकार से व्हाट्सएप पर हुई अपनी बातचीत का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें रिद्धिमान साहा ने यह ट्वीट किया कि भारतीय क्रिकेट में मेरे इतने योगदान के बाद एक तथाकथित आदरणीय पत्रकार से मुझे यह सब झेलना पड़ता है और पत्रकारिता देखिए किस स्तर तक गिर चुकी है। ऐसा रिद्धिमान साहा ने ट्वीट किया। ये जो व्हाट्सएप चैट है इसका जो स्क्रीनशॉट है ये आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं और मैं भी आपको पढ़कर बता सकता हूं कि इसमें क्या लिखा है। देखिए आपके सामने है, इसमें रिद्धिमान साहा पहले ट्वीट कर रहे हैं 19 फरवरी को, आफ्टर ऑल माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट दिस इज वॉट आई फेस फ्रॉम अ सो कॉल्ड रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट दिस इज वेयर द जर्नलिज्म हैज गॉन। ये रिद्धिमान साहा ने ट्वीट किया है। अब देखिए स्क्रीनशॉट, देखिए चैट का, तो लिखते हैं पत्रकार उनको कह रहे हैं डू एन इंटरव्यू विद मी, मेरे साथ एक इंटरव्यू करो, विल बी गुड, मतलब भाव यह है मेरे साथ इंटरव्यू करो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। फिर लिखते हैं इफ यू वॉन्ट टू बी डेमोक्रेटिक देन आई वॉन्ट पुश, कि अगर तुम लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो यानी सबको समान व्यवहार, सारे पत्रकारों को सारे मीडिया के साथ समान व्यवहार करोगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर वो कह रहे हैं जब रिद्धिमान साहा ने कोई जवाब नहीं दिया तो ये पत्रकार महाशय उसको आगे लिखते हैं यू डिड नॉट कॉल Never again will I interview you. I don't take insults kindly and I will remember this. तो वो कह रहे हैं कि तुमने मुझे कॉल बैक नहीं किया, मैं हमेशा ये याद रखूंगा ये बात और अब कभी तुम्हारा इंटरव्यू नहीं करूंगा और इस तरह का जो मेरा अपमान है इससे मैं हमेशा याद रखूंगा, तुमने जो किया है ये तुमने ठीक नहीं किया। This wasn't something you should have done. ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये पत्रकार लिख रहे हैं। अब आप जाहिर है अगर रिद्धिमान साहा को, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में खेलने वाले किसी खिलाड़ी को अगर कोई पत्रकार ऐसी भाषा में लिख रहा है तो जाहिर है बड़ा पत्रकार ही होगा। अब सवाल यह है कि यह पत्रकार है कौन। अब तक रिद्धिमान साहा और BCCI ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब देखिए बड़ी बात क्या है, रिद्धिमान साहा ने इसे सार्वजनिक तो कर दिया लेकिन अब साहा ये नहीं बता रहे ये चैट सार्वजनिक करने के बाद कि ये पत्रकार था कौन। तो आज हम सबसे पहले तो रिद्धिमान साहा से ही कहेंगे कि भाई आप बताइए कि ये धमकी आपको कौन पत्रकार दे रहा है। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि आपने इस चैट को सार्वजनिक कर दिया तो इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप उसका नाम भी ले सकें। लेकिन ये ऐसी हिम्मत हमें समझ में नहीं आई कि चैट आपने सार्वजनिक कर दिया लेकिन नाम नहीं बताना चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते हम ये जानना चाहेंगे और देश भी जानना चाहेगा। हमें यह पता चला है कि ये एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं जो खेल पत्रकार हैं और कोलकाता के एक बहुत मशहूर पत्रकार हैं। ये पत्रकार आजकल फ्रीलांसिंग करते हैं, कई बार अलग अलग चैनल्स पर भी बैठे हुए नज़र आते हैं एक्सपर्ट के तौर पर, और आजकल इनका यूट्यूब पर एक चैनल भी है और उसमें भी ये अक्सर खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और ये फ्रीलांसिंग करते हैं और हो सकता है ये अपने उसी YouTube चैनल के लिए रिद्धिमान साहा का इंटरव्यू करना चाह रहे हों। हिंट आपके लिए हम इतना बता सकते हैं
कि ये कोलकाता के हैं और बहुत ही वेल कनेक्टेड और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा बीसीसीआई में बैठे शीर्ष पदों पर बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी इस पत्रकार के अच्छे संबंध बताए जाते हैं, वेल कनेक्टेड है। कई पत्रकार ऐसे होते हैं जो खिलाड़ियों को यह कहकर डराते हैं कि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो खिलाड़ियों का करियर बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो खिलाड़ियों से ये बात कहते हैं कि तुम मुझसे बना के रखो, हमेशा तुम टीम में खेलते रहोगे, तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा छपता रहेगा, और अगर मुझे बिगाड़ के रखोगे तो टीम से ड्रॉप करवा दूंगा और आपके बारे में नेगेटिव खबरें भी छपने लगेंगी। तो खिलाड़ी भी कई बार डर जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं और वो भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। अब तीन पॉइंट्स में पूरी कहानी को आप समझिए। पहला पॉइंट यह है कि जब रिद्धिमान साहा ने इस पत्रकार की व्हाट्सएप चैट को सार्वजनिक कर ही दिया तो उन्हें इस पत्रकार का नाम भी बता देना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर वो नाम नहीं बताते तो क्या होगा? तो बीसीसीआई को इस मामले में स्वतंत्र जांच करानी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि आखिर यह बहादुर पत्रकार है कौन। बीसीसीआई को ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि रिद्धिमान साहा बीसीसीआई के ग्रेड बी के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट के तहत सालाना क्रिकेट बोर्ड से 3 करोड़ रुपया भी मिलता है। आमतौर पर जिन खिलाड़ियों का बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है उन खिलाड़ियों को किसी मीडिया में या किसी पत्रकार से इंटरव्यू करने से पहले परमिशन लेनी होती है, और इस नाते से बीसीसीआई इस मामले की स्वतंत्र जांच करा सकता है क्योंकि रिद्धिमान साहा उनके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। और हम बीसीसीआई से आज ये मांग करते हैं कि बीसीसीआई को इस मामले की स्वतंत्र जांच करानी चाहिए और सार्वजनिक करना चाहिए कि यह पत्रकार कौन है जो उनके एक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, हैरेस कर रहा है। और तीसरा पॉइंट यह है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को खुद इस मामले की जांच कराकर न सिर्फ इस पत्रकार का नाम सामने लाना चाहिए बल्कि सौरव गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष होने के नाते इस पत्रकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि यह मामला एक पत्रकार द्वारा एक बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का है। और हो सकता है कि रिद्धिमान साहा से पहले भी दूसरे क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा होता रहा हो, लेकिन वो इस पर कुछ भी बोलने की हिम्मत जुटा ना पाते हो। यह सारा विवाद तब शुरू हुआ जब रिद्धिमान साहा को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए इस बार टीम में चुना नहीं गया और वो बड़े आहत हो गए, निराश हो गए, और उन्होंने एक बयान दे दिया कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उनसे एक बार कहा था कि जब तक वो इस पद पर हैं तब तक रिद्धिमान साहा टीम में खेलते रहेंगे। लेकिन इतनी जल्दी सारी चीजें बदल गई और इसी के बाद से ये मामला बढ़ता चला गया और अब उनकी मुश्किलें यानी साहा की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। तो इसका एक असेसमेंट ये भी हो सकता है कि साहा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, और किसी भी खिलाड़ी को बड़ी निराशा होती है जब वो देखता है कि उसे टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। जब उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया तो उन्होंने अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए, अपने प्रति सहानुभूति अर्जित करने के लिए पहले तो ये व्हाट्सएप चैट को लीक किया होगा, उसके बाद फिर दूसरा इंटरव्यू दे दिया होगा जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि सौरव गांगुली ने उन्हें यह आश्वस्त किया था कि जब तक वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं साहा टीम में खेलते रहेंगे। अब इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि अगर इसकी जांच की जाए तो हो सकता है कि एक पेंडोराज बॉक्स की तरह सामने आए ये पूरा मामला, इसलिए इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। और क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट के, हमारी क्रिकेट टीम के करोड़ों फैंस हैं, क्रिकेटर्स को हमारे यहाँ भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है, तो बीसीसीआई की जिम्मेदारी है इन करोड़ों फैंस के प्रति कि वो बताएं कि टीम में हो क्या रहा है और हमारे खिलाड़ियों को कौन परेशान कर रहा है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।